दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन न मिलने से लोगों की मौतों की खबर देश के कई शहरों से सुनने को मिली है। देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है और भारत देश ने वित्त वर्ष 2021 में करीब 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात किया है, दूसरे देशों को बेचा है। इससे भी मजेदार बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष में 4502 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही विदेशों को बेचा गया था। सोचिए, जब देश के लोगों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी तब देश दोगुनी ऑक्सीजन अन्य देशों को बेच रहा था। देश में सैकड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, मर रहे हैं, हो सकता है और भी मरते रहें, मगर पैसा तो कमाया जा रहा है। ऑक्सीजन बेच के हम पैसा तो कमा रहे हैं। मैं तो व्यापारी हूं, व्यापार हमारे नस नस में है, यह किसने कहा था याद है आपको? नहीं याद है तो याद करें, अपने दिमाग पर जोर डालें, यह किस नेता ने कहा था? जब जनता ने व्यापारी के हाथों में जिम्मेदारी सौंपी है तो देश को दुकान बनाना उनके नस नस में बसा है। फिर जनता को जो चाहिए वह मिल रहा है ना? जनता थोड़ा मुफ्त पाकर बेहद खुश है, चाहे वह गेहूं हो, चावल हो, साइकिल हो, या बच्चा पैदा करने, शादी करने पर चंद रुपए हो, या मकान बनाने के लिए पैसा। जब मुफ्त में थोड़ा पाकर देश दिया तो मुफ्त में मौतें भी तो मिल रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से, अस्पताल में बेड की कमी से, दवाओं की कमी से, इसके लिए मुफ्त ही तो जिम्मेदार है। कोविड यानी कोरोना 2019 में आया, 2019 से 2021 तक में हम अस्थायी अस्पताल नहीं बना सके, ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं रख सके, जरूरी दवाओं का इंतजाम नहीं कर सके। जब हम 2021 के लिए प्लान नहीं कर पाए, सोच नहीं पाए, कोई योजना नहीं बना पाए, फिर हम बातें करते हैं 2030, 2040 और 2050 की। ऐसी बातें हम कैसे कर सकते हैं? हमारी दूरगामी सोच है, ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों, कई लोगों से मेरी बात होती है, कई लोग कहते हैं कि आप वन साइडेड सिर्फ बीजेपी के विरोध में बोलते हैं। अब मैं, सरकार बीजेपी की है, मैं बीजेपी के नेताओं के विरोध में नहीं बोलूं या मैं कुर्सी के खिलाफ नहीं बोलूं, तो मैं कैसे यह कहूं कि केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस नेता डॉक्टर हर्षवर्धन खाद्य विभाग को लेकर एक बयान दिए हैं? तो लोग मुझे ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की सरकार में कांग्रेस का मंत्री कैसे हो सकता है? जब बीजेपी की सरकार है, कुर्सी पे बीजेपी के लोग बैठे हैं, तो आवाज तो बीजेपी के खिलाफ ही उठेगी। मैं कांग्रेस को कहां से जोड़ दूं? मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की एक खूबसूरत खासियत यह भी देखने को मिलती है कि मंत्री अपने विभाग को छोड़ बाकी अन्य विभागों की खूब जानकारियां रखते हैं। हो सकता है भविष्य में, आने वाले कुछ दिनों में, खाद्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग संबंधी जानकारियां दे, जैसे अभी स्वास्थ्य मंत्री खाद्य विभाग की जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, 2030 तक देश से भुखमरी खत्म करने की दिशा में जो प्रगति हुई थी उससे भी नुकसान हुआ है। लाखों लोगों का पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है। मंत्री हर्षवर्धन के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? सरल भाषा में कहें कि मोदी सरकार की योजना थी 2030 तक देश से भुखमरी समाप्त कर दी जाएगी, जो अब संभव नहीं होगी। यानी देश में भुखमरी से मौतें 2030 के बाद तक भी होती रहेंगी। कोविड यानी कोरोना महामारी ने इतना आर्थिक नुकसान पहुंचाया है भारत देश को। सरल और स्पष्ट भाषा में इसे इस रूप में समझा जाए, जिसे गोलमोल ढंग से भाजपा के
मंत्री हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा है, जिस दिन कांग्रेस की सत्ता होगी, कांग्रेस के लोग गलतियां करेंगे, उस दिन कांग्रेस के खिलाफ भी इसी अंदाज में हम बोलेंगे। मगर आज अगर भाजपा के लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो भाजपा के लोगों को विरोध सुनना पड़ेगा, क्योंकि वह गलतियां कर रहे हैं।